और अब बात करते हैं बीचियों की, जहां पर होली पर बैन बढ़ते ही विवाद हो गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली ना मनाने के आदेश पर बढ़ता ही विवाद जा रहा है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के आदेश का कड़ा विरोध किया और जमकर होली खेली। विश्व हिंदू परिषद ने यूनिवर्सिटी के इस आदेश को तुगलकी फरमान करार देते हुए इसे हिंदू विरोधी बताया है। कहा गया है कि इफ्तार का आयोजन करने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनाने का तुगलकी फरमान कैसे जारी किया गया। बीएचयू प्रशासन ने बकायदा एक आदेश जारी करके यूनिवर्सिटी कैंपस में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने, हुड़दंग करने और म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि जो भी छात्र इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बीएचयू प्रशासन का आदेश आते ही छात्र भड़क गए और आदेश का उल्लंघन करते हुए छात्र छात्राओं ने कैंपस में होली से पहले ही जमकर होली भी खेली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में छात्र छात्राएं नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि बीचू के मधुबन से लेकर कला सकाय तक होली की मस्ती का रंग हर किसी पर नजर आ रहा था और तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यहां पर छात्रों ने विरोध जताया है। बीचू प्रशासन के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा ऐतराज भी व्यक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने फैसले के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, होली पर प्रतिबंध वह भी काशी में, ये परिपत्र है या कोई तुगलकी फरमान? कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं? उन्होंने आगे लिखा है कि क्या होली हुड़दंग है, भोले की काशी और उसमें भी शिक्षा के मंदिर में संगीत बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप नहीं मनाएंगे ये तर्क संगत है, लेकिन किसी और ने होली मनाई तो कार्रवाई होगी। क्या ये न्याय संगत है? क्या जिहादी जामिया की राह पर चल पड़ा है काशी का हिंदू विश्वविद्यालय? और प्रशासन को ये तुगलकी फरमान वापस लेना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।